अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बड़े मज़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। यह है मटन स्टू। आप इसे चिकन में भी ट्राई कर सकते हैं। आए देखें हमें इसे कैसे बनाना है। हम इसमें शामिल कर रहे हैं 1/2 kg मटन, हमने इसे अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। हम इसमें शामिल करेंगे 2 बड़े टमाटर चॉप्ड कर लिया है, आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। 6-7 हरी मिर्चें, अदरक को हमने बारीक चॉप कर लिया है। हमने ली है 5 बड़ी प्याज, आप चाहो तो अपने हिसाब से भी ज़्यादा कर सकते हैं या कम भी। हम इसमें ऐड कर रहे हैं 200 ग्राम ऑयल। ऑयल में आप कंजूसी ना करें, हमने ऑयल थोड़ा गर्म कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपनी कटी हुई प्याज। हमें इसे ऐड करने के बाद ना इसे ज़्यादा ब्राउन करना है ना ज़्यादा लाइट छोड़ना है, हमें इसे बस इतना करना है कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए प्याज, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा ब्राउन कर लिया तो आपका स्टू काला हो जाएगा और टेस्ट में भी अच्छा नहीं होगा। हमारा पूरा स्टू बेस ही सिर्फ हमारी प्याज़ों का फ्राई करने पे है, तो आप इसे बस इतना फ्राई करें कि ये कच्चा पक्का और थोड़ा पिंकिश शेड आ जाए इसमें। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपने खड़े मसाले। हम इसमें डाल रहे हैं ज़ीरा और गोल मिर्च। ज़ीरे को हमने थोड़ा फ्राई कर लिया था तो इससे अच्छा टेस्ट आता है, आप ज़रूर करके रखा करें अपने घर में। अब हम इसमें शामिल करेंगे बड़ी इलायची और छोटी इलायची। अब हम इसमें और शामिल करेंगे तेज़पत्ता, आप इसे हल्की आंच पे पकाएं। इसमें हम दालचीनी को भी शामिल करेंगे 1 टुकड़ा, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी आएगा। ये हमने अपने खड़े मसालों को प्याज के साथ अच्छी तरीके से फ्राई करना है। ये लगभग हमारी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपना मटन। देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने ना ज़्यादा प्याज को ब्राउन करा है ना ज़्यादा वाइट है, बस ट्रांसपेरेंट मेरी प्याज हुई है। अब हमने अपना गोश्त को शामिल कर लिया है, अब हम इसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे। देखिए फ्रेंड्स कितना बेहतरीन लग रहा है, माशाल्लाह। ये हमारा हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे हम अपनी अदरक जो हमने बारीक बारीक काट लिया था, हरी मिर्चें, टमाटर हमने लिए थे 2 बड़े टमाटर, आप चाहो तो 3 भी ले सकते हो। अभी हमारे सारा कटा हुआ सामान डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं दही। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं दही को, अगर आपने टमाटर ज़्यादा शामिल करे हो अपने मसाले में, बट मेरे हिसाब से आप दही ज़रूर डालें। आप इसे अच्छी तरीके से चला लें और जब आप दही डालने जा रहे हैं तो आप अपना थोड़ा गैस सिम कर लें जिससे हमारी दही फटे ना। ये हमारा मसाला एक बिल्कुल अच्छी तरीके से मिल चुका है गोश्त में। हमें इसे हाई फ्लेम पे 2 सीटी लगानी है, 2 से आप ज़्यादा ना लगाएं। ये हमारी रेडी हो चुका है। इसमें देखिए थोड़ा थोड़ा प्याज ने, टमाटर ने और गोश्त ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब हम इसे अच्छी तरीके से भूनेंगे। देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया आया है। आप चाहें इसे ऐसे भी ले सकते हैं, बट आप इसे थोड़ा भून लें, ये पानी खुश कर लें तो ये ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस लगेगा। ये देखिए कितने अच्छा हुआ है, हमारे टमाटर भी गल चुके हैं, गोश्त भी गल चुका है। हाई फ्लेम में आप 2 सीटी लगाएं बस, ये अच्छी तरीके से चला लें। हम इसे पानी को खुश कर रहे हैं, आप इसे ज़्यादा सीटी ना लगाएं बस इसमें। अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं, ये मेरी मदर ने स्टू मसाला बना के रखा है, ये हैंडमेड है। आप चाहें तो कोई भी स्टू मसाला इसमें ऐड कर सकते हैं। हम इसे ले रहे हैं 2 टेबल स्पून, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आप इसे अच्छी तरीके से चला लें। ये हमारा गोश्त बहुत अच्छी तरीके से पक चुका है माशाल्लाह, ये अच्छी तरीके से भुन गया है, आप इसे भून लें। ये हमारा स्टू पूरा रेडी हो चुका है, अब हम करेंगे इसे सर्व। अब हम इसे कर लेंगे सर्व। ये हमने अपना स्टू बाउल में निकाल लिया है। अब इसमें शामिल कर रहे हैं हरा धनिया। हरा धनिया का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप इसे ज़रूर डालें। ये हमारा
चिकन मटन स्टू रेडी हो चुका है और आप इसे चिकन में भी ज़रूर बनाएं। आप इसे ट्राई करें, चाहे चिकन में मटन में, ये आपकी मर्ज़ी। कुछ लोग नहीं खाते मटन जैसे मैं, तो मैं इसे चिकन में भी बनाती हूँ तो बहुत टेस्टी लगता है। और आप, ये बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको पसंद हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करने ना भूलें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी। थैंक यू सो मच।